अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और ज़िंदगी के मज़े लूट रहे होंगे। आज एक नई वैरायटी, एक नई आइटम हम आपकी खिदमत में लेके आए हैं। आज जो हमारे पास चीज़ें हैं वो सिल्वर, एलुमिनियम, जर्मन सिल्वर, इसके देच के हैं। ये सारी एक ही, जो आपको मैंने नाम बताएं, ये एक ही आइटम के नाम है जिसको कहते हैं हम सिल्वर स्टील। तो सिल्वर स्टील के आज हम आपके लिए देच के लेके आए हैं, अजवा ब्रांड के। उसकी हम आपके लिए साथ में और भी मल्टीपर्पज़ मल्टी जो चीज़ें हैं, इसकी वैरायटी सारी, इसकी रेंज, वो हम आपके लिए आज आपको लेके आए हैं। आए हम आपको साथ साथ अपना चीज़ें दिखाएं और उनको साथ में आपको ब्रीफ करें। जी तो व्यूअर, सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे अजवा के पॉट्स हैं देच के। ये जो स्टिकर है ग्रीन कलर में, अजवा वालों का ही ये भी ब्रांड है, लेकिन ये जौन सा इनका है, ये 9 गेज में बने हुए हैं देच के। और ये वाला जो स्टिकर है ये 11 गेज में बने होते हैं। ये गेज जौन सी होती है, ये जो आप थिकनेस देख रहे हैं ना पतीले की, इसको थिकनेस को ये गेज कहा जाता है। और इसमें जौन सा है अजवा में ग्रीन में, बेसिकली मैं जो आपको चीज़ दिखाना चाह रहा था वो इसकी वज़न और इसकी क्वालिटी है। ये आप देखें देच के का वज़न, पेंडी का वज़न, ये आपको ये बेसिकली दिखाना चाह रहे थे। हमारे पास अक्सर कस्टमर आते हैं जो जिन्होंने अपनी बेटी के जहेज में या घर में यूज़ करने के लिए देच के चाहिए हो, वो हमसे कहते हैं कि जी भारी पेंदी वाला, भारी वज़नी पेंदी वाला हमें देच का दिखाएं। तो फिर हम ये सबसे बेस्ट क्वालिटी अजवा में ये हम उनको दिखाते हैं। इनका ये 9 गेज में देच का बना हुआ है, वज़न के लिहाज से ये क्वालिटी में सबसे बेस्ट है। और ये जौन सा है इसमें पुराना स्क्रैप, यानी कि जो हम पुराने बर्तन बेचते हैं वो नहीं मिक्स हुआ होता, ये प्योर सिली का माल होता है। इसका फ़ायदा ये होता है कि नीचे जो एक तय जमती है जब बड़े पतीले बनते हैं उसमें, ये इसमें आपकी कोई चीज़ नीचे लगती नहीं है। इसमें हमारे पास जौन से होते हैं साइज़, ये हमारे पास तकरीबन 10 साइज जो आम कैजुअल घर में यूज़ होते हैं, ये मैंने आपके सामने सारे डिस्प्ले किए हुए हैं, ये आप देख सकते हैं। ये सारे साइज़ यहाँ से शुरू करते हैं, ये 5 नंबर साइज़ है, 5 किलो का ये साइज़ है, फिर ये 4.5, ये 4, ये फिर उसके बाद यानी कि 3.5, 3, इस तरह हाफ हाफ केजी का सारा ये फ़र्क आता है इनमें, ठीक है। ये जौन सा है कंप्लीट आपके सामने सेट लगाया हुआ है। इसके अलावा अगर आपको बड़े साइज़ के देच के कोई घर में आपने मिलाद वगैरह कराना है या इस काम के लिए आपको चाहिए, तो इनमें आपको वो भी इस क्वालिटी में अवेलेबल हैं। ये एक हमारे पास अजवा की ये था 9 गेज में, एक इसी तरह 11 गेज में भी हमारे पास इसकी सारी पॉट्स हैं। वेट में ये इससे कम होता है, लेकिन मटीरियल वाइज जौन सा है ये अजवा का ही ब्रांड है, ये होता मटेरियल वाइज जौन सा है सेम चीज़ है, प्योर सिल्वर का होता है, इसमें कोई मिक्सिंग नहीं होती। ये जौन सा है बस इसकी गेज का फ़र्क है, जिस तरह आप देख रहे हैं कि इसकी जो गेज है वो थिकनेस, जिसको मैं आपको प्रोमिनेंट करना चाह रहा हूँ, ये जो थिकनेस है इसकी और जो अजवा की ये ग्रीन स्टिकर वाले की थिकनेस है, ये अब आपके सामने दोनों चीज़ें आ रही हैं। ये 11 गेज में है, ये 9 गेज में बना हुआ है, इस चीज़ का सिर्फ फ़र्क है, बाकी मटेरियल सिल्वर रॉ मटेरियल दोनों का सेम है। अच्छा, इसके बाद जौन सा हम इसमें भी इसी तरह ही है कि आपके कैपेसिटी जौन सी है वो हाफ हाफ केजी का फ़र्क है। ये इसमें आपका 1 केजी, ये 1.5 केजी, ये 2 केजी, फिर इसी तरह सोन है, यानी कि हाफ केजी का फ़र्क आएगा। अच्छा, उसके बाद जो हमारे पास इन्हीं की अजवा की आइटम है वो इनके सॉस पैन है, ये देखें 3 साइज़ के सॉस पैन है। उसके बाद ये भी, ये देखें आप अगर इसको नोटिस करें तो इसकी नॉब वगैरह वुड की नॉब है, साथ में हैंडल भी वुड का ही है, और ये भी प्योर सिल्वर का ही बना हुआ है। इसमें भी जौन सा है क्वालिटी वाइज आपके पास सिर्फ ये ब्लू में आते हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा हैवी वेट चीज़ नहीं लगती ज़रूरत होती इनको, ये इनका बेस्ट दी बेस्ट जौन सा मॉडल होता है ना वही चल रहा होता है। अच्छा, इनमें आपके पास ये 3 साइज़ है हमारे पास, इसमें भी तकरीबन आप कह लें 6 कप, 5 से 6 कप,
इसमें भी आपके को 9 से 10 कप और ये 12 से 15 कप इनमें बनेंगे, ये अप्रॉक्सीमेटली आपको मैं बता रहा हूँ। उसके बाद हमारे पास अजवा वालों की कढ़ाइयाँ हैं, कढ़ाइयों में भी 5 साइज़ हैं, ये आपके सामने 5 साइज़ हैं। इसमें आपके पास ये देखें 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर 5 साइज़ की ये कढ़ाइयाँ हैं। इसमें आपका अप्रॉक्सीमेटली जो सा जो है कुकिंग का वो तकरीबन आपकी बन जाएगी 1.5 किलो आपकी इजीली कढ़ाई इसमें बन जाएगी, ठीक है। उसके बाद इसकी भी क्वालिटी, इसका वज़न, सिल्वर के हैंडल हैं और म्यारी चीज़ में बना हुआ ये भी। उसके बाद ये 1.5 kg, फिर नीचे 2 kg, 2.5 kg, फिर नीचे वाली 4 और 5 kg वाली कैपेसिटी है। उसके बाद जो हमारे पास चीज़ आती है अजवा वालों की, प्रेशर कुकर। प्रेशर कुकर के ये इनके 2-3 मॉडल हैं। एक मॉडल है ये डबल हैंडल में, इसमें आपको 2 साइज़ 9 लीटर और 11 लीटर। ये जो सा साइज़ है ये 9 लीटर का साइज़ है। मैं आपको अंदर से भी खोल के दिखाऊंगा और इसकी क्वालिटी साथ दिखाऊंगा। आप सीलिंग देखें, इसकी ब्लैक रबर में है और सीलिंग डबल सील्ड हुआ हुआ है ये। अंदर उन्होंने साथ में अपना पंपलेट और साथ में विसल दी हुई है। और ये आपके सामने इसका 9 लीटर का, इसी तरह 11 लीटर में भी आपका यही आपको क्वालिटी और इसी तरह आपको वो फिनिशिंग में वो मिलेगा। फिर हमारे पास ये आ गया सिंगल हैंडल कुकर। कुछ लोग नहीं पसंद करते डबल हैंडल को, कहते हैं जी पुराना डिज़ाइन है ये वो, फिर सिंगल हैंडल में ये चीज़ लेते हैं। इसमें हमारे पास 5 लीटर 7 लीटर 9 लीटर और 11 लीटर, इसमें हमारे पास ये सारे साइज़ आपको अवेलेबल है। इसमें भी आप देखें तो आपको ये चीज़ देखें तो अंदर ये डबल सील्ड हुआ हुआ है सारा ब्लैक रिंग के साथ। म्यार के लिहाज से, रेट के लिहाज से ये बहुत ही अच्छा ब्रांड है जो अजवा है, बहुत अच्छी क्वालिटी में, बहुत ही नफीस और बहुत ही म्यारी चीज़ देते हैं ये। अपना रेट भी इनका बहुत मुनासिब होता है। तो ये हमने आपको अजवा का सारा सेटअप दिखाया है और आप इसका ओवरव्यू लें, फिर उसके बाद मैं साथ में आपको मिलते हैं आपसे। जी तो व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो काफ़ी आपके लिए इंफॉर्मेटिव रही होगी। आज की वीडियो में हमने आपको 2 तरह के अजवा के पॉट्स दिखाए हैं। एक आम जो कैजुअल घर में इस्तेमाल होते हैं, जो आप कह लें कि रफ एंड टफ और मुनासिब पैसों में चीज़ आपको अच्छी चाहिए हो तो ये अजवा ब्लू स्टिकर में जो सा है और ये आपको मिलेगा। ये ज़्यादातर जो ब्लू स्टिकर वाला है ना, ये ज़्यादातर इन्होंने लोकल मार्केट में इंट्रोड्यूस कराया हुआ है। जो ग्रीन स्टिकर वाला है ये पाकिस्तान से बाहर एक्सपोर्ट करते हैं अजवा वाले, और इसकी क्वालिटी, इसकी फिनिशिंग आपको पता है कि पाकिस्तान से बाहर चीज़ जाएगी तो उसके क्या मेयार होगा। तो ये इन्होंने 2 इसमें क्वालिटीज़ बनाई हुई हैं कंपनी ने। तो हमारे पास, हम इसके डीलर हैं, हमारे पास ज़रा इन्होंने हमें फैसिलिटीज़ दी हुई है कि आप इसको जिस तरह मर्ज़ी आप डील करना चाहें इसको करें।
तो उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी आज की वीडियो इंटरेस्टिंग रही होगी, आपके लिए इंफॉर्मेटिव रही होगी। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।